क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो किसके फॉर्म में है, ऑड नंबर 6q+1, 6q+3 and 6q+ कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे ध्यान से ले देख लेते हैं। हमने मान लिया कि लेट ए इज एनी पॉजिटिव नंबर, ए क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है, देन वाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम यहाँ पे पुट करेंगे बी के प्लेस पे क्या 6, तो यहाँ जब 6 पुट करेंगे तो ए हो जाएगा 6q+r, इसको इक्वेशन देंगे 1। लेकिन हम जानते हैं कि बट ये जो r है ना इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और b मतलब 6 से छोटी होगी, देयरफोर r की वैल्यू 0 होगी, r की वैल्यू 1, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 5 हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब एक एक बार क्या कर दो, इसको पुट कर दो। तो एक बार हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से पुट r इज इक्वल टू 0, देयरफोर a जो होगा वो 6q+0 या अकेला 6q कह सकते हैं, क्योंकि 0 प्लस करो या 0 माइनस करो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 6q होगा, तो ये कैसा नंबर होगा, इवन नंबर। अब हम ऐसे ही 1 पुट कर देंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 6q+1, 2 पुट करेंगे तो 6q+2, 3 पुट करेंगे तो 6q+3, 4 पुट करेंगे 6q+4, 6q+5। तो ये नंबर कौन सा, ये वाला और ये 1, 2, 3, ये कैसे नंबर है, क्योंकि हमें पता है ना कि किसी भी नंबर में इवन से मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है, दैट्स ऑल। इसलिए कौन से नंबर होंगे, ऑड नंबर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कहानी समझ में आ गई।